कलम आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है उत्तर प्रदेश बजट को लेकर के। इसमें मैंने तीन सेक्शन किए हैं, एक ही वीडियो में तीनों सेक्शन मिलेंगे। पहले में मैंने उसके संवैधानिक प्रावधान बताए हैं, दूसरे में बजट का इतिहास बताया है और लेटेस्ट जो बजट है 2023-24 का उत्तर प्रदेश का वो बताया है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। जिस तरह से आपका आयोग ने जो पेपर चेंज किया है मुख्य परीक्षा में, तो उसका प्रभाव प्री में दिखाई देगा और प्री में आपके मुझे लगता है कि 25 तक प्रश्न उत्तर प्रदेश से आ सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का बजट अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो मुझे आशा है कि आप कॉपी किताब लेके बैठेंगे तभी मेरा वीडियो देखेंगे। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर के, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है हमारा और इसमें हम जो पढ़ा रहे हैं क्या है, बजट 2023 के बारे में पढ़ाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल एप्लीकेशन को। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी पूरा टाइप करना है और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पर 8604987816 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6388671098 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 है। अब बात आई संवैधानिक पृष्ठभूमि की, क्या है संवैधानिक पृष्ठभूमि की, तो भाग जो संविधान का भाग 6 है वो स्टेट से संबंधित है और उसी में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें पहला अनुच्छेद मान लो तो बजट संबंध है वो अनुच्छेद 202 है और ये इसमें कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी राज्य यानी स्टेट के जो वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात इसको बजट भी बोलते हैं, लेकिन संविधान में हमारे किसका उपयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसमें किया गया, अनुच्छेद 202 में। अगर केंद्र की बात करें तो भाग 5 में अनुच्छेद 112 है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं भाग 6 के अनुच्छेदों की जो कि राज्यों से संबंधित होते हैं, जैसे यूपी एमपी इनसे। अनुच्छेद 197 क्या कहता है, अनुच्छेद 197 कहता है कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर क्या निर्बंधन लग सकता है। इस बात का उल्लेख कहां किया गया है, अनुच्छेद 197 में किया गया है। अनुच्छेद 198 क्या कहता है, इसमें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद और उसका विषय पूछ सकता है कूट मिलान में, ठीक है। धन विधेयक क्या है, विधान परिषद में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है और विधान परिषद में केवल सिफारिश के लिए जाता है और विधान परिषद उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा। विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर ही विधेयक को अपनी सिफारिशों के सहित विधानसभा को लौटा देगी। अगर नहीं लौटा देती है तो फिर यह माना जाता है कि उसने ये पास कर दिया है और ये इस बात का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 198 में। फिर समझिएगा, मैं संवैधानिक पृष्ठभूमि यानी पॉलिटी का पार्ट भी इसमें करा दे रहा हूं, इसका इतिहास ही बता दूंगा और करंट का जो मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश का वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 199 क्या कहता है, अनुच्छेद 199 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा यानी जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है वो किस समय में, वो है अनुच्छेद 199 में। और मैं बात करूं केंद्र की तो इसकी जो परिभाषा है वो आपकी अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा केंद्र के हिसाब से कहां पर है, अनुच्छेद 110 में है और राज्य के हिसाब से कहां पर है, अनुच्छेद 199 में है। आई थिंक इस बात को आप अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबद्ध होंगे, ये जो इसमें दे रखे हैं, ये अगर प्रोविजन से संबंधित कोई विधेयक है तभी वो धन विधेयक समझा जाएगा। कौन कौन से है, किसी कर का अधिरोपण लगाना हो, उत्सादन करना हो, परिहार करना हो, परिवर्तन करना हो या विनियमन करना हो। ये कितने पॉइंट हो गए, अधिरोपण करना, उत्सादन करना, परिहार करना, परिवर्तन करना और या विनियमन करना। हालांकि मैं इसका डिटेल में बताऊंगा लेकिन अभी नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको आप समझ लीजिएगा। राज्य द्वारा धन उधार लेने से संबंधित कोई विधेयक हो, कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन संबंधी कोई विधेयक हो, राज्य के द्वारा अपने पर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित कोई विधेयक हो, विधि से संबंधित संशोधन से संबंधित कोई अगर विधेयक होता है तो वो धन विधेयक ही माना जाएगा। राज्य की संचित निधि आकर्षता निधि की अभिरक्षा के लिए ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसे धन निकालने से संबंधित
कोई भी अगर विधेयक होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। ध्यान रखिएगा ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। अब देखिए यहां पर राज्य संचित निधि में धन का विनियोग, किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारत करना, व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ा भी देना, इससे संबंधित कोई भी विधेयक आता है तभी वो धन विधेयक कहलाता है। राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखा मद धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अवरचा या उसका निर्गमन करना, यह भी धन विधेयक कहलाता है, इसे संबंधित है। ये कई पॉइंट है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अनुच्छेद 199 में जो लिखा हुआ है, अब प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन बताएगा? इसका जो डिसाइड करता है वो करता है विधानसभा अध्यक्ष। जैसे केंद्र में, संघ में कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष, उसी प्रकार इसमें विधानसभा अध्यक्ष करता है राज्य में कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधानसभा को पारित किया जाता है और जब अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। अब यहां से प्रश्न ये आया कि कहां लिखा है कि ये प्रमाणित करेगा विधानसभा अध्यक्ष कि ये विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अर्थात सीधे सीधे कहने का अर्थ है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है और बकायदा उसके ऊपर लिखता है, प्रमाण पत्र लगाता है कि यह धन विधेयक है और इसको राज्यपाल लौटा नहीं सकता है। ठीक है, और इसका जो प्रोविजन है वो किसमें है, अनुच्छेद 199 में है। बात आई अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 200 क्या कहता है, अनुच्छेद 200 कहता है कि विधेयकों पर अनुमति, क्या कहता है, विधेयकों पर अनुमति, यानी जब कोई विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से दोनों से पारित होकर के आता है तो क्या है, राज्यपाल के पास जाता है और फिर राज्यपाल उस पर अनुमति देता है। इस बात का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दिया गया है। या तो इस विधेयक को अनुमति देगा या अनुमति रोक सकता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित कर सकता है। ये तीन प्रोविजन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही अनुच्छेद 201 की हम बात करें तो अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यानी कोई विधेयक राज्यपाल समझता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, ये उसकी विवेक अधिकार की शक्ति है, वो रख सकता है, ध्यान रखना। और इसका प्रोविजन आपका अनुच्छेद 201 में है, किसमें, अनुच्छेद 201 में है। अब 202 क्या कहता है, अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, इसका सीधा सीधा उल्लेख है वो क्या है, बजट है। बजट में क्या है, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाएगा कि राज्य कितनी आय हुई है और कितना व्यय होगा और आगे कैसे हम खर्च करेंगे, इस बात का उल्लेख कहां किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण में किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का ही अर्थ सीधा सीधा बजट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन संविधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये टोटल डिटेल था। अब शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं अनुच्छेद 204 में क्या है, इसमें विनियोग विधेयक है, किसका, विनियोग विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 205 में किसका उल्लेख है, अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान का उल्लेख है। ये कूट मिलान करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद हैं, मुझे आशा है आप इस बात को याद करेंगे और लिख लिख कर देखेंगे ताकि एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो आपसे गलत ना हो। साथ ही अनुच्छेद 206 का अंतर है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ये कहां पर है, ये अनुच्छेद 206 में है। अनुच्छेद 207 में क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, ध्यान रखना। कहां पर है, अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध है उसका उल्लेख किसमें किया गया है, 207 में किया गया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बजट के इतिहास की, यही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का सेक्शन नंबर 2 भी है ये, कि उत्तर प्रदेश में पहली बार बजट 14 मार्च 1952 को पेश किया गया था। ये पूछ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो 14 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया गया था और ये था 1,49,00,000,000 रुपए का था और इसका जो मुख्य फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर और चीनी मिल पर था। किस पे था, इंफ्रास्ट्रक्चर और चीनी मिल पर था। यूपी में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का कीर्तिमान है वो नारायण दत्त तिवारी के नाम है, किसके, नारायण दत्त तिवारी के। और एनडी तिवारी ने 4 बार सीएम रहते हुए और 7 बार वित्तीय मंत्री रहते हुए ये पेश किया था। यूपी में कुल
और उन्होंने कुल 11 बार बजट पेश किया था। उसके बाद 9 बार बजट जो पेश किया है वो अभी सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने पेश किया था। ये दोनों में से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब बजट पेश करने का जो साधन बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत जो लेके आए थे वो चमड़े की बैग में लेके आए थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह लेके आए वो सूटकेस में लेके आए थे, और सुरेश खन्ना जो वर्तमान थे इन्होंने टैबलेट में ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल माध्यम से बजट को पेश किया है। तो तीनों का सेक्शन पूछ सकते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया है चमड़े की बैग से, चरण सिंह ने किया है सूटकेस से, और सुरेश खन्ना ने किया है टैबलेट से। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे होंगे। साथ ही पॉइंट करते हैं कि 2023 और 24 का बजट है वो प्रथम पेपरलेस बजट है, अर्थात ये कॉपी पे उस पे नहीं छपा था, इसको जब पेश किया गया था तो टैबलेट पे पेश किया गया था, डिजिटल माध्यम से पेश किया गया था। इस बात को आप समझ लीजिएगा, पहला कैसा है पेपरलेस बजट है। अब यहां देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बार बार लगातार बता रहा था यहां से क्या डेटा पेश किया जा सकता है। हमारी राज्यपाल है महामहिम आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ, और वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, जिन्होंने इस बजट को पेश किया था। पेश करने की तिथि 22 फरवरी 2023 थी। अब यहां से क्या पूछ सकता है इस साल, ये वाला फागुन 3 सख संबत 1944, यह इस साल के लिए इंपॉर्टेंट डेट है, और मुझे लगता है कि यह डेट पूछी जा सकती है, इसलिए इस डेट को अच्छी तरह से रट लीजिएगा। फागुन 3 सख संबत 1944 को हमारा जो बजट है उत्तर प्रदेश का वो सुरेश खन्ना ने पेश किया था। साथ ही बजट का जो आकार है तो उसका डेटा कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 6,90,242.43 करोड़ रुपए है। नई योजनाओं पर जो व्यय किया गया है वो 32,721.96 करोड़ रुपए किया गया है, ठीक है। अब कुल जो प्राप्तियां हैं वो कितनी है, 6,83,292 करोड़ रुपए है, और राजस्व की जो प्राप्तियां हैं वो है 5,70,865 करोड़ मान जाती है। पूंजीगत प्राप्तियों की हम बात करें तो 11,127.08 करोड़ रुपए है। तो यहां से ये डेटा आपका जो बात करें तो जो महत्वपूर्ण जो डेटा है वो आपका एक है, वो है बजट का आकार, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन आया कि हमारा कुल व्यय कितना था, कुल व्यय कितना है, तो कुल व्यय है 6,90,242.43 करोड़। यह डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुल व्यय कितना हुआ है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहां पर है कि राजस्व लेखे पर व्यय कितना है, तो इसमें है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5,02,354 करोड़ रुपए लगभग। पूंजी लेखे पर व्यय कितना है, तो यह है 1,87,888 करोड़ रुपए लगभग। ये पॉइंट वाला आप अपने नोट कर लीजिएगा। राजस्व बचत क्या है, राजस्व बचत है आपकी 68,511.65 करोड़ रुपए, जबकि राजकोषीय घाटा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि ये पूछा जा सकता है राजकोषीय घाटा कितना है उत्तर प्रदेश का, तो है 84,883.16 करोड़, ध्यान रखिएगा। और ये टोटल बजट का जीडीपी का आपका 3.48 है, 3.8% है, और यही डेटा आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, रट्टा मार दीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बजट के भाषण में उन्होंने किन किन तत्वों का उल्लेख किया, किस योजना का उल्लेख किया, इस बात को मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो यूपी की बजट में इसे 8% बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि दर कितने परसेंट अनुमानित की गई है, 19% अनुमानित की गई है। 2017 से पूर्व वो देखिए बजट में बताया गया है कि 2017 से पूर्व बेरोजगारी दर जो थी वो 14.4% थी, जब अब ये घटकर के कितनी हो गई है 4.2 हो गई है। ये बजट के डेटा है, इस पर बार बार आप वीडियो देखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क पे ये डेटा छप जाएंगे, अन्यथा आप रट के ये इनको नहीं दे सकते हैं। 5-6 बार वीडियो देख लेंगे और अपना नोट्स बना लेंगे तो ये आपको सारे जो फैक्ट है वो याद रहेंगे। अब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में जो हुई थी, इसके बारे में भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले थे। क्या बोले हैं, उन्होंने कहा कि 10 से 12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में इसका आयोजन किया गया,
16 देशों के 21 शहरों में प्रतिनिधि मंडल भेजे गए प्रचार प्रसार के लिए और इनविटेशन देने के लिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए भारत के 8 नगरों में रोड शो किया गया, इस बात का उल्लेख वित्त मंत्री ने यह बताया सदन में। ये कौन कौन से थे? इसमें था मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़। ठीक है, ये जो डेटा है ये 8ों शहर कहां पर रोड शो हुए ये आपको रटे होने चाहिए। और ये भी कहा कि 33.5 लाख करोड़ के समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। ये बहुत डेटा है। अब आप बस सोचिएगा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मैं पूरा से बताऊंगा, उसके लिए मैंने अलग वीडियो करंट का बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें केवल बजट में जो बोला गया है मैं उन बातों का उल्लेख कर रहा हूं। ठीक है, अब ये कह रहे समझौते का जो ज्ञापन आया, जो 33.5 लाख करोड़ आया समझौते का, इसमें उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर सबसे ज्यादा आए वो है 16% है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरा नंबर आया 12% आया, औद्योगिक पार्क के लिए 11% तीसरे परिमत थी और शिक्षा के लिए आपकी 9% थी। तो यहां से ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पैसा किस पे आया है, तो नवीकरणीय ऊर्जा पे आया है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तीसरा औद्योगिक पार्क पे और चौथा आपका शिक्षा पे आया है। साथ ही बात करें निवेश प्राप्तकर्ता की है, तो निवेश प्राप्तकर्ता की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो निवेश प्राप्त हुआ है गौतम बुद्ध नगर को, दूसरे नंबर पर आगरा, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर अलीगढ़ है। ये चारों यहाँ से प्रश्न बनता है और ये आने की प्रबल संभावना है। साथ ही G20 के संबंध में भी उन्होंने बारे में बताया कि G20 और SCO की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसमें G20 की मैं बात कर रहा हूं, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 की 11 बैठक आयोजित होंगी। ये सारा का सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने शहर में, 4 शहर में G20 की 11 बैठक होंगी। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। इन चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS की जो परीक्षा है उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपी का प्रथम स्थान किसमें है? यह बजट में हमारे वित्त मंत्री ने बताया कि ये दूध उत्पादन में, गन्ने में, चीनी में, एथेनॉल की आपूर्ति में हमारे यूपी का पहला स्थान है। ये बजट का उल्लेख है, बाकी डेटा नहीं बता रहा हूं मैं, बजट में जितना उन्होंने बताया है ये ही बात को मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। साथ ही अब हम देख लेते हैं कि और क्या फैक्टर बताए। कौशल विकास नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। कौन सा है? कौशल विकास नीति लागू करने वाला जो उत्तर प्रदेश है वो पहला है देश का राज्य है। लेकिन बजट के फोकस एरिया की हम बात कर लेते हैं कि जब से योगी सरकार आई है उन्होंने बजट हर साल पेश किया है और उसमें क्या क्या रखा है। तो देखिए 2017 में किसानों को समर्पित बजट था, 2018 में ये बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास को समर्पित बजट था, 2019 में महिला सशक्तिकरण की थीम के साथ था, 2020 में युवा शक्ति, रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास को केंद्र में रखकर के बजट बनाया गया था, 2021 में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को थीम को लेकर के बनाया गया था बजट है, 2022 में था अंत्योदय से आत्मनिर्भरता। लेकिन 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूलभूत अवसंरचना के विकास के साथ किसान, महिलाओं और युवाओं पर फोकस, ये एज इट याद करना है। कम से कम 2022 और 2023 के जो विषय फोकस क्षेत्र हैं बजट के वो आपको याद होने चाहिए। फ्री में नहीं तो मेंस में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका ये दोनों पॉइंट करेंगे जब आप आंसर लिखेंगे। अब किसानों के लिए क्या प्रावधान किया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। किसान के लिए प्रावधान है तो गन्ना उत्पादकता में, ध्यान रखना गन्ना उत्पादकता में 1,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, ये आंकड़ा इन्होंने रखा हुआ है। अंतर फसली खेती से कृषकों को 25% अतिरिक्त आय हुई है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि कितनी अतिरिक्त आय किसानों को हुई है, तो 25% का डेटा दिया गया है। साथ ही कह रहे किसानों की आय 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बड़ी है, और कितनी बड़ी है, 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये वाला कि किसानों की आय में प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि हुई, तो 349 है, और हेक्टेयर की बात करें तो 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं को लेकर के क्या बात की उन्होंने कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल विकास योजना के लिए उन्होंने इस कोष में 56 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वाला केंद्र में अलग देखेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत टेक होम राशन, क्या है टेक होम राशन, 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, क्या किस उम्र के 6 माह से लेकर के 6 वर्ष आयु के वर्गों के बच्चे और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए कितना है 251 करोड़ रुपए का प्रोविजन योगी सरकार ने इस बजट में किया है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के जो बीमा है उनको, उनके चूंकि वो काम करती हैं तो उनको भी बीमित किया गया है और इस बीमा करने के लिए 25 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय पोषण अभियान मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्या है कि इसके लिए 455 करोड़ और 52 लाख रुपए का जो प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए प्रति लाभार्थी 15,000 रुपए और योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। और यह डेटा आपका प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और खासकर जो आपका उत्तर प्रदेश का अलग जो पेपर जुड़ा है मेंस के लिए, यह डेटा आपके लिए बहुत रोल अदा करेगा आंसर राइटिंग में। और आप अगर इस डेटे का प्रयोग अब मेंस में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये सभी वर्गों की लड़कियों के लिए, इसके लिए आपके 600 करोड़ है, कितने 600 करोड़ रुपए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन लड़कियों के लिए 150 करोड़ दिया गया है, कितना 150 करोड़ रुपए दिया गया है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 63 करोड़ दिया गया है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सामर्थ्य योजना लागू की जा रही है, ध्यान रखिएगा, और इसके लिए 63 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 3 महिला पीएससी बटालियन की स्थापना की बात कही है इसमें। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है और विधवा पेंशन के लिए 4,032 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है विधवा पेंशन के लिए। तो मुझे लगता है ये डेटा आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे और वीडियो को 5-6 बार फास्ट मोड में लगा करके देख लेंगे तो ये सारे के सारे डेटा आपको याद हो जाएंगे। साथ ही युवाओं के लिए बात करें तो बजट में युवाओं के लिए क्या प्रावधान है, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जो जिसमें टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा 3600 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें किया गया है। यूपी स्टार्टअप नीति 2020 के तहत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर और नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रचारण आरंभ किया गया है। ये तो डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यूपी स्टार्टअप नीति के तहत 3 जगह पर कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रचारण आरंभ किया गया है, तो पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर और नोएडा में। याद कर लीजिएगा ये तीनों पॉइंटों को। स्टार्टअप सीड फंड, सीड फंड है इसके लिए आपको 100 करोड़ रुपए दिया गया है। स्टार्टअप को शुरुआत के जो दिक्कतें होती है उसको दूर करने के लिए कितना है सीड फंड आपका 100 करोड़ रुपया है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्री टेक स्टार्टअप, ध्यान रखना एग्री टेक स्टार्टअप किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के लिए, किसके लिए, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए जो प्रोविजन किया गया है वो आपका 20 करोड़ रुपया किया गया है। युवा अधिवक्ताओं को 3 वर्षों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता का भी योजना आई है और इसमें इसके लिए 10 करोड़ रुपया का प्रोविजन किया गया है। साथ ही युवा अधिवक्ताओं के लिए 5 करोड़ का कॉर्पस फंड भी क्या किया है प्रस्तावित किया गया है। तो यह जो सारे प्रोविजन थे इसके केंद्र बिंदु में हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश के युवा है, जिधर वो युवा चलते हैं उस ओर उस समाज की दिशा बदल जाती है। युवाओं को अगर आप अच्छी सामर्थ्य से आगे बढ़ाएंगे तो देश तरक्की करता है, परिवार तरक्की करता है, समाज तरक्की करता है और समूह तरक्की करता है। तो उसी को आधार मान करके ये बजट तैयार किया गया है। अब बात कर लेते हैं रोजगार के प्रावधान की है, तो रोजगार यहाँ पर यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है कि 2022-23 में मनरेगा में 26,29,000 मानव दिवस का सृजन किया गया है। यह भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2022-23 में 1,07,000 स्वयं सहायता समूह का गठन करने का जो प्रोविजंस है वो कंप्लीट हुआ है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए कितना है 1,07,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। ध्यान रखना ये डेटा, ये दोनों आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब बात आई देखिए एमएसएमई पर, तो सरकार की बहुत नजर है, ठीक है, एमएसएमई अधिनियम
2020 के माध्यम से इकाइयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण में छूट दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण के अंतर्गत 135,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 173,000 लाभार्थी है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए जो अभ्यर्थी थे वो 17,147 लाभार्थी थे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 6 वर्षों में 12,50,000 से अधिक के पंजीकरण किए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। अब यहां से देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन इसके तहत 17,559 इकाइयां स्थापित की गई हैं। 1,96,000 से अधिक रोजगार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 4,837 इकाइयां स्थापित की गई हैं। यह भी डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वस्त्र उद्योग क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितना? 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत 5 वर्षों में, ध्यान रखना 5 वर्षों में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 5 वर्षों में 10,00,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है निवेश का, और 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। यह डेटा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात आई सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के लिए। सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के लिए आपने वृद्धावस्था और किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 1,120 करोड़, कुष्ठावस्था पेंशन के लिए 42 करोड़, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 35,950 जोड़ों का विवाह का लक्ष्य रखा गया है। बजट कानून व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत जो श्रमिक है, ठीक है, वो कितने हैं? वो 1.53 करोड़ है। और कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना, तो श्रमिक मृत्यु पर कितना पैसा मिलेगा? तो 5,00,000 रुपए श्रमिक की मृत्यु पर मिलेगा। साथ ही स्थायी दिव्यांगता पर 4,00,000 रुपए मिलेगा, और आंशिक दिव्यांगता आने पर आपको 3,00,000 रुपए की सहायता मजदूरों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए, और बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2,000 रुपए बच्चों, ये थोड़ा डेटा में है, इसको छोड़ते हैं इसको ना। अब देखिए अवस्थापना और औद्योगिक विकास के प्रावधान के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी सेक्शन है, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है वो औद्योगिक विकास की ओर लेके जाना है। तो अवस्थापना और औद्योगिक विकास के प्रावधान क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे कुल 6 औद्योगिक निर्माण संकुल किए जाएंगे। तो जैसे 4 संकुल आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर होंगे, और 2 जो होंगे वो आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाए जाएंगे। व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में यूपी का 2रा स्थान है। इस बात का उल्लेख बजट में किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात के प्रावधान है। एमएसएमई नीति 2022 में रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेटा है। ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब सिंचाई और जल संसाधन के जो प्रावधान है, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 188.4 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। 165.42 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य होता है। नहरों का बात करें तो 750.90 किलोमीटर है। राजकीय नलकूप की बात करें तो 34,316 है, और इसमें पंप कैनाल जो है वो आपकी 29 है। 99 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। किचनौदा बांध, सहजाद बांध और लखेरी बांध 3 का उल्लेख किया गया है। अब आपको नेट से सर्च करना है कि ये किस जिले में है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है, वरना इन तीनों के लिए मैं छोटा सा शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि किचनौदा बांध, सहजाद बांध और लखेरी बांध किस जिले में और किस नदी पर बनाए गए हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है,
अब है नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति का प्रावधान है। तो जल जीवन मिशन का डेटा इंपोर्टेंट है, ये 25,350 करोड़ इसके लिए रखा गया है। नागरिक उड्डयन के प्रावधान की अगर मैं बात करता हूं तो प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील है, जेवर अयोध्या में निर्माणाधीन है। जेवर एयरपोर्ट में रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर के 5 कर दी गई है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू एयरपोर्ट है, ये भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जबकि निर्माणाधीन घरेलू एयरपोर्ट की हम बात करें तो ये यहाँ से अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र, याद कर लीजिए पुनः, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में घरेलू एयरपोर्ट क्या है, निर्माणाधीन है। अब बात करें ऊर्जा के प्रावधानों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर जो योजना है ये लागू है हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही तापी विद्युत उत्पादन की जो परियोजनाएं हैं तो देख लेते हैं, घाटमपुर में, ओबरा में, जवाहरपुर में और पनकीपुर, पनकी तापी विद्युत परियोजना है, ये हमारी तापी विद्युत परियोजना है जो क्रियाशील है। बुंदेलखंड में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना, अब देख लो बुंदेलखंड में स्थापित जो सौर ऊर्जा परियोजना है उस किसकी सहायता से बनाई जाएगी, तो जर्मनी की कंपनी है KFW, कौन है KFW है, और 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया है 5 वर्षों में, ये भी डेटा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही ये बताया गया है कि जैव ऊर्जा नीति, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 45 करोड़ आवंटित किए जाएंगे और रिवेव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए 6,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करें नगर विकास के प्रावधान के लिए तो अमृत योजना के अंतर्गत 282 करोड़ रुपए, महाकुंभ मेला 2025 में 2,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, कान्हा गौशाला के लिए 100 करोड़, आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज अक्सर पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न है तो 21,65,463,473 शौचालय निर्माण का जो लक्ष्य है और 2,288 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं, ये डेटा तो आपका इंपोर्टेंट हो गया ही होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायती सशक्तिकरण योजना के यानी ई गवर्नेंस के लिए 4 करोड़ रुपए और मैनुअल स्केवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के तहत 1.65 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही कृषि से संबंधित डेटा की बात कर लें तो कृषकों की कृषि समग्र नवीनतम तकनीकी से प्रशिक्षित करने के लिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही 17,000 किसान पाठशालाएं का आयोजन प्रस्तावित है, ये डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, बाकी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नजर डाल दीजिएगा, मैंने PDF इसमें डाल दी है। दुग्ध विकास की हम बात कर लेते हैं तो दुग्ध विकास को देखिए, जानते ही हो कि दूध के उत्पादन में हमारा UP नंबर 1 है, तो नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 61.21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022, ठीक है, अब इसके पालन के लिए हमारे 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौ संरक्षण केंद्र 187 बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, और बुंदेलखंड में प्रत्येक जिले में गौ आश्रय केंद्र स्थापित किए जाने हैं, ध्यान किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड में प्रत्येक जिले में गौ आश्रय बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए, कितना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है और निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खाद उद्यान एवं खाद प्रसंस्करण के लिए प्रावधान की बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी ये सहारनपुर और में स्थापित की जाएगी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देखिए सहकारिता मंत्रालय के लिए जिला सहकारी बैंकों के लिए 100 करोड़ रुपए है। अब यहां पर खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए प्रावधान की हम बात करें तो माटी कला बोर्ड के लिए आपके 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण जो केंद्र है एवं फैसिली जो सेंटर है वो आपके लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है इस वाले सेक्शन में। साथ ही बजट के हथकरघा और वस्त्र उद्योग के प्रावधान की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश
एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के लिए 150 करोड़ रुपए इसे लागू करने के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना के लिए 18 करोड़ आवंटित किया गया है। बजट में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। यूपी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति के लिए आपका 2022 के लिए ठीक है, और यह नीति 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। अच्छा, ये नीति के बारे में, यह नीति कब अधिसूचित की गई है वो डेटा में लिखा है इसमें, ठीक है। बेसिक शिक्षा की हम बात कर लेते हैं, तो बेसिक शिक्षा के अधीन अगर 223,712 आपके बेसिक शिक्षा के अधीन विद्यालय हैं। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम श्री योजना, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 510 करोड़ रुपए इसके लिए है। ग्राम पंचायतों के अंतर्गत डिजिटल लाइब्रेरी, ये पहली बार आया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाए जाने हेतु आपको 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और संस्कृत विद्यालय के लिए ध्यान रखना, यह भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहाँ की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान में हमारे जो वित्त मंत्री ने कहा कि 19 राज्य विश्वविद्यालय है, यहाँ एक मुक्त विश्वविद्यालय है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और 30 हमारे निजी विश्वविद्यालय है। गोरखपुर विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय को नेक रैंकिंग दी गई है, A++ रैंक प्रदान की गई है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही KGMU लखनऊ को A+ रैंक दी गई है, जबकि मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, इसे A रैंक मिली है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को नेक रैंकिंग मिली है और यह पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसको नेक रैंकिंग मिली है, इस बात का उल्लेख बजट में किया गया है। प्रथम बार 11 विश्वविद्यालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग की तैयारी में सेवा किया गया था। मां विंध्यवासिनी राज विश्वविद्यालय, ये विंध्याचल धाम मंडल में बनाया जाएगा और मां पाटेश्वरी देवी राज विश्वविद्यालय, ये देवी पाटन में बनाया जाएगा। साथ ही हम बात करें खेलों के प्रावधान की बात करें तो खेलों को लेकर के भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम के लिए 30 करोड़ रुपए, ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा, मेरठ। स्पोर्ट्स कॉलेज कहां स्थापित किए जाएंगे, सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर हो जाएंगे, सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया। साथ ही वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। साथ ही पर्यटन की हम बात करें तो पर्यटन को लेकर के भी है कि 2022 में 24,87,00,000 अधिक पर्यटक आए, ये डेटा देखो कैसा भी है, बजट के पत्र में लिखा है तो मैंने वही पेस्ट कर दिया है। अब वो कह रहे हैं इसमें 4,10,000 से अधिक जो लोग वो थे वो विदेशी थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पिरिचुअल सर्किट योजना कहां पर होगी, गोरखपुर, देवीपाटन और डुमरियागंज में। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के लिए तीन जगह हो गई, गोरखपुर, देवीपाटन और डुमरियागंज में। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जेवर, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा का भी विकास किया जाएगा पर्यटन की दृष्टि से। अब बात आई वन एवं पर्यावरण के प्रावधान के लिए, यह डेटा इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका डेटा वन नीति में और ज्यादा बताऊंगा, लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारे वित्त मंत्री ने बताया वो मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन का आवरण 9.23 है। 2030 तक वनावरण और वृक्षारोपण को 15% करने का लक्ष्य रखा गया है, यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 2023 में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। सामाजिक वानकीकरण योजना के लिए 600 करोड़ है, पौधशाला प्रबंधन योजना के लिए 175 करोड़ है, ग्रीन इंडिया मिशन इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 करोड़ किया गया है और प्रदेश में इको टूरिज्म के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लखनऊ में कुकरेल क्षेत्र में नाइट सफारी स्थापित की जाएगी और उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुझे आशा है इस डेटा को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। आप हमारे, ये हमारे पुराने सेलेक्ट वाले साथी हैं, आरओ 2023 का बैच स्टार्ट हो चुका है, बीओ का 2023 का बैच स्टार्ट हो चुका है और यूपीपीसीएस की तस्वीर तो हम लोग खत्म हो चुकी है और अपर निजी सचिव का बैच स्टार्ट होने वाला है तो 1 तारीख से, तो वो आप उसमें भाग ले सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये उत्तर प्रदेश का मैंने ये बजट पढ़ाया। अब इसी की क्विज मैं कल या परसों में डाल दूंगा, लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और उत्तर प्रदेश के बजट से जो प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा और आप उसे देख लीजिएगा। अगर उत्तर प्रदेश से अगर बजट का कोई प्रश्न आता है तो मुझे इस नोट से और इस वीडियो से आपका जरूर हल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी बात ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से बच्चों का भला हो सके। मिलते हैं, धन्यवाद।